नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका साथियों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्ज उतारने के लिए पिता द्वारा जमीन बेचने से मना कर देने व थोड़े लालच के लिए प्लान करके पिता को उतार दिया मौत के घाट। हरदोई जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। पिता द्वारा लिए गए कर्ज को देने से बचने व उससे निजात पाने के लिए एक पुरानी रंजिश को मोहरा बनाकर पुत्र ने इस हत्याकांड को एक प्री प्लान के तहत अंजाम दे दिया। पुलिस ने उपरोक्त सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 9 अगस्त को थाना कछौना क्षेत्र अंतर्गत सिंह ढाबा के निकट एक व्यक्ति का शव पाया गया था, जिसकी पहचान राजपाल सिंह पुत्र शिवराम सिंह निवासी सुम्बाबाग एकलव्य नगर संडीला के रूप में हुई थी। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी माया देवी ने अपने पड़ोसी बलराम सिंह पुत्र सूर्यवक्स, सत्येंद्र सिंह पुत्र सैनाम सिंह, उत्तम सिंह पुत्र बलराम सिंह व कल्लू गुप्ता पुत्र मुन्नू गुप्ता के विरुद्ध तहरीर दी थी और बताया था कि उपरोक्त चारों ने उसके पति की हत्या कर दी है। पूरे मामले को लेकर 10 अगस्त को थाना कछौना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसी बीच 18 अगस्त को शाम करीब 6 बजे लखनऊ हरदोई मार्ग पर स्थित गांव हरदासपुर मोड़ से तीन अभियुक्तों विशेंद्र प्रताप उर्फ गोपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह पुत्र सतीश सिंह और अनुज सिंह उर्फ पम्मू पुत्र शुक्लपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से अभियुक्त विशेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गोपाल सिंह मृतक का पुत्र है। थाना कछौना क्षेत्र में एक व्यक्ति हत्या के बेटे और दो साथियों ने मिलकर की थी। हत्या का मुख्य कारण था कि मृतक पर बहुत सारा कर्जा था और उसके अलावा बेटे से था कि अगर इनकी हत्या कर दी जाएगी तो कर्जा नहीं देना पड़ेगा और कृषक बीमा के तहत हमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस बात को लेकर के इन लोगों ने हत्या की थी। इसमें मेनली जो चाकू और जो मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और मैं अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। क्या कैसे हत्या गई? हत्या इसमें उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठा करके संडीला से ले आए थे और इंडस्ट्रियल एरिया के पास वहाँ पर उनका चाकू से गोलकर हत्या कर दी गई। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।